देखो कंग्रेंसी का मतलब क्या, हमको क्या पढ़ना है कंग्रेंट, हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे, ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, ट्रायंगल का बेसिक शुरू में बाबू कितने टाइप्स के ट्रायंगल वैसे बता दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, फिर ट्रायंगल का थ्योरम बता दिया। अब क्या बाबू, अब थ्योरम आपको कंग्रेंसी से रिलेटेड है, जो भी ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ेंगे कंग्रेंसी से रिलेटेड है ना। तो ये कंग्रेंट होता क्या चाहिए बाबू, कंग्रेंट होता क्या चाहिए, जब दो फिगर बाबू एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे। अब शांति से सुनो, ये सब ऐसे पढ़ाया जाता है स्कूल में, हम लोग ऐसे करके ना पढ़ेंगे ना, कि दो फिगर ये सुपर इम्पोज कर लिया उसको क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे। देखो कोई भी दो फिगर है बाबू, कोई भी दो फिगर रहे, ठीक, कोई भी दो फिगर रहे, फिगर रहे, लाइन रहे, एंगल रहे, अगर बाबू वो दोनों के दोनों क्या कर रहा है, दोनों का दोनों अगर क्या कर रहा है बाबू, सुपर इम्पोज कर रहा है ना। जैसे मान लो एक ये लाइन, ये रे है, ये क्या हो गया बाबू, रे हो गया, और एक रे ये हो गया, ये देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, सुपर एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे पे क्या आ जाए, सुपर इम्पोज कर ले, एग्जैक्टली एक क्या करे दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज कर ले, है ना। दो लाइन, एक ये हो गया बाबू और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये मानो कि एग्जैक्टली क्या करा, एक दूसरे पे क्या करा, ओवरलैप कर रहा, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों का दोनों रे क्या है, कंग्रेंट है, ये दोनों का दोनों रे क्या है, वो कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है ना, दोनों का दोनों रे क्या है, कंग्रेंट है ना, कंग्रेंट है। कोई भी बाबू दो लाइन रहे, रे रहे, है ना, या लाइन सेगमेंट रहे, तो अगर रे रहे, लाइन रहे, लाइन सेगमेंट रहे, अगर एक दूसरे को क्या करे ढक ले, दूसरे को क्या करे ढक ले, मान लो आपका ये क्या बाबू, ये क्या हो गया, इसमें आयरो नहीं लगा हुआ है, आयरो नहीं लगा हुआ तो इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या एकदम एकदम देखो परफेक्ट ढक लिया कि नहीं ढक लिया, है ना, परफेक्ट ढक लिया ना, ठीक। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट कैसा, वो कंग्रेंट है हमेशा बाबू। ये ऐसा नहीं होता बाबू कि कंग्रेंसी हमेशा ट्रायंगल के लिए ही यूज करते हैं, किसी भी फिगर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंग्रेंट यूज करेंगे। कंग्रेंसी किसी भी फिगर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ना, लाइन के लिए, सर्किल के लिए, स्क्वायर के लिए, किसी भी फिगर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। ये सोम्या फिर कैसे बंद हो गया बाबू, सोम्या कहा बीपी हाई करवा देते बाबू, ठीक। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट मेरा क्या, कंग्रेंट है, ये दोनों का दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कंग्रेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, ना थोड़ा सा ज्यादा ना थोड़ा सा कम, ना थोड़ा सा मोटा ना थोड़ा सा छोटा, है ना बाबू, अगर सारे का सारे क्या करे एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, तो हम लोग कहेंगे बाबू दिया हुआ फिगर क्या था, कंग्रेंट था, कंग्रेंट था, कंग्रेंट था, है ना। लाइन भी ले सकते हो, लाइन भी ले सकते हो, है ना, वो लाइन भी ले सकते हो। मान लो एक लाइन ये है ना, ये लाइन ए बी हो गया, और इसी पे बाबू कोई एक और लाइन ले लेते, ये सब आएंगे, सब आएंगे, है ना, एक लाइन और ले लेते, कौन सा सर, सी डी लाइन ले लो, सी डी लाइन ले लो, ठीक। एकदम जो क्या आ रहा, इसी पे आ रहा, इसी पे आ रहा, इसी पे आ रहा, एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक रहा, हम लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे क्या कहेंगे वो, ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, कंग्रेंट है, दोनों का दोनों लाइन क्या है, कंग्रेंट है ना, ठीक। मान लो दो गो एंगल ले लो, दो गो एंगल ले लो, और दोनों का एंगल का हम लोग, दो एंगल को हम लोग कंग्रेंट कब कहेंगे, कब कहेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या हो, दो एंगल ले लेते, दो एंगल लेते, है ना। मान लो ये एंगल वन है सर, ये एंगल वन हो गया और ये एंगल कितना हो गया, टू हो गया, ठीक। अगर ये दोनों एंगल बाबू कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है, या इस एंगल को उठा के यहाँ पे रखो, इस एंगल को उठा के यहाँ पे रखो, अगर एग्जैक्टली ढक ले रहा है, कवर कर रहा है, सुपर इम्पोज कर ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे दोनों एंगल क्या है, कंग्रेंट है। मतलब क्या सर, दो एंगल कंग्रेंट कब होगा, कब होगा, इसका जो वैल्यू है, इस एंगल का जो मेजर है, मान लो एंगल बाबू वन, एंगल वन का जो मेजर है, और ये एंगल टू को नापोगे ना बाबू, नापोगे ना बाबू, अगर ये दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है, मतलब ये मान लो अगर 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, दोनों एंगल का अगर बाबू क्या वैल्यू सेम है, दोनों एंगल को नाप रहे हो, है ना, वो नाप रहे हो, तो दोनों का अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ऐसे दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे ना। मतलब कंग्रेंसी का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ एल के सी प्लस चीज है बाबू, 9 में फालतू का दिया गया है ना, फालतू का दिया गया। दो आपको देखना है, दो फिगर क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, सुपर इम्पोज कर लिया अच्छी तरह से, ना 1 इंच छोटा ना 1 इंच लंबा, है ना बाबू, ना मोटा ना बहु पतला, है ना। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कांग्रेस, कांग्रेस है ना। जैसे हमको बीच से ऐसे काट होगा, तो आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर, है ना, आधा स्टोमक इधर, आधा स्टोमक इधर, एक लेग उधर, एक लेग इधर, तो बीच से जब कट करोगे तो फिगर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा, है ना, कांग्रेस हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा ना, कांग्रेस हो जाएगा ना, कांग्रेस हो जाएगा, ठीक थी? तो उसी तरह से बाबू, उसी तरह से बाबू ये सब क्या हो गया, कोई भी दो फिगर ले लो, जैसे बाबू आप ये A4 शीट ले लो, आपके घर में A4 रहता है पेपर वाला, जो इसको फोटो कॉपी करवाते हो, जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो ये दोनों ग्राफ कांग्रेंस है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, ये दोनों पेपर है, ये दोनों क्या पेपर है, कांग्रेंस है कि नहीं है, तो ये दोनों कांग्रेंस है कि नहीं है, तो एक दूसरे पे क्या करो बाबू रखो, एक दूसरे पे क्या करो रखो, इसी को हम लोग थ्योरम में यूज करें, है ना, ये दो गो पेपर है ना, दो गो पेपर है, ठीक, ये दो क्या ग्राफ है ना, तो ये दो सर कांग्रेंस है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा सर, तो दोनों पे क्या करो, ये मचुरा गया बाबू, ठीक है ना।
ऐसा ऐसा रखा रहता है ना, ये दोनों ग्राफ बाबू, ये दोनों ग्राफ कंग्रेंस है कि नहीं ऐसा, हमको कैसे पता चलेगा? तो दोनों को एक दूसरे पे क्या करो, सुपर इम्पोज करो, दोनों को एक दूसरे पे क्या करो, सुपर इम्पोज करो, दोनों को एक दूसरे पे क्या करो, सुपर इम्पोज करो। अगर पूरी तरह से ढक ले रहा, देखो इसको ऐसे क्या करो, ऐसे ऐसे इसको क्या करो, सुपर इम्पोज करो, तो दो को मिलकर अगर एगो बन जा रहा, एगो बन जा रहा, मतलब आपको इसको बाहर से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों का दोनों सीट क्या है, कंग्रेंट है, दोनों का दोनों सीट क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है ना, कंग्रेंट है ना। तो कंग्रेंट बाबू किसी भी शेप के लिए यूज हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल के लिए यूज होता है, एंगल के लिए, मैंने जो भी दो शेप बाबू अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे ना, है ना। अगर इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है, हमेशा ध्यान देना आगे इसमें यूज करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग बाबू, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों अगर बाबू इसको ऐसे रख दोगे, है ना, इस तरह से, है ना, ऐसे रख दो, ये दोनों बाबू क्या कंग्रेंस नहीं होगा। अगर ऐसे रख रहे बाबू ये दोनों क्या होगा, कंग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि सुपर इम्पोज नहीं किया, इधर इतना इधर क्या रह गया, ओपन रह गया, ओपन रह गया ना। तो रखने का भी तरीका होता है, एक दूसरे पे बाबू ओवरलैप करने का भी तरीका होता है ना, मतलब इस तरह से ओवरलैप करवाओ कि इसका किनारा दूसरे वाला के किनारे से मिल जाए, इसका जितना लेंथ हो दूसरे वाला का लेंथ क्या उसी पे क्या करे, ओवरलैप कर ले, है ना, जितना इसका हाइट रहे, है ना, जिसका इसके अंदर ब्रेथ है उतना ही क्या रहे, दूसरे वाला का रहे ना। तो इस तरह के शेप को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे ना, कांग्रेस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे वो मान लो बाबू ये दोनों दो ये ले लो, दो सर्किल ले लो, ये दो सर्किल कांग्रेस है कि नहीं, शांति से समझना, है ना। जैसे एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल क्या ये है, ये दोनों सर्किल हो गया। अभी कंग्रेंस है कि हमको कैसे पता चलेगा, तो दोनों को एक दूसरे पर रखो, अगर ये क्या कर रहा ओवरलैप कर लिया, क्या करे हम सीधे का सीधे देखो, दो मिलके एगो बन गया, तो हम लोग कहेंगे बाबू ये दोनों का, ए धर्मवीर वीडियो ऑन करो बाबू, शैतानी सब पढ़ रहा है कि नाटक, ए धर्मवीर, हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों का दोनों फिगर क्या है, कंग्रेंट है, दोनों का दोनों फिगर क्या है, दोनों का दोनों सर्किल क्या है, कंग्रेंट है, दोनों का दोनों सर्किल क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है ना, कंग्रेंट है, ठीक है ना बाबू, ठीक। ढक लेगा था, अब इसको बाबू ऐसे करके ढको, इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड करो और उसके बाद बाबू इसको कवर करो, तो ये फिगर कांग्रेंट नहीं होगा, क्या करो ओवरलैप नहीं ना, क्या होगा कांग्रेंट नहीं होगा, कांग्रेंट नहीं होगा, है ना, कांग्रेंट नहीं होगा ना। तो जब भी दो फिगर एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, दो को मिलकर आपको क्या बनाएगा, एगो बना देगा, इसको ढको ना शैतान, दो को मिलकर क्या बनाएगा, एगो बना देगा, एगो बना देगा, है ना, दो को मिलकर एगो बना देगा, क्या करना, कांग्रेंट करना, कांग्रेंट, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू मान लो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 है ना, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा सर? तो देखो इसका जो ये वर्टेक्स है, इसका ये जो वर्टेक्स है इस पे रखो, ये वाला किनारा वाला वर्टेक्स इस पे रखो और इधर का वर्टेक्स इस पे रखो, और देखो एकदम एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं बाबू, है ना, 19-20 नहीं होना चाहिए, है ना बाबू, 19-20 नहीं होना चाहिए, ना ही 1 सेंटीमीटर लंबा, ना ही 1 सेंटीमीटर छोटा, है ना, एग्जैक्ट होना चाहिए, एकदम क्या हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए ना। तो देखो बाबू क्या क्या, एक वर्टेक्स एक दूसरे पे क्या क्या एग्जैक्टली ओवरलैप कर लिया, है ना, क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या ओवरलैप कर लिया, है ना, ओवरलैप कर लिया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है ना, ये दोनों का आपको बाबू दो दो फिगर मिलकर बाबू एक ही फिगर दिखाई दे रहा है ना जी, एक ही फिगर दिखाई दे रहा है ना, इसको करोगे एग्जैक्ट है ये, है ना। तो ये दोनों का दोनों शेप क्या है, ये सौम्या ऑन करोगे बाबू, सौम्या शैतान, ठीक, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है। तो दो ट्रायंगल बाबू अब समझना हमको किसका पढ़ना है, कंग्रेंसी ट्रायंगल का पढ़ना है ना, आपको सब नहीं पढ़ना, सर्किल का लाइन वगैरह का नहीं पढ़ना। तो दो ट्रायंगल बाबू मान लो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स अगर ए नाम दे देते हो, ये ट्रायंगल नंबर एक है, इसका वर्टेक्स का नाम दे दो, यहाँ पे वर्टेक्स है ना बाबू, तो इसका वर्टेक्स ए दे दो, है ना, ये वर्टेक्स कितना दे दो, बी दे दो, ये वर्टेक्स क्या दे दो, सी दे दो, ठीक। उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स बाबू, दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स मान लो क्या दे दो, डी दे दो, दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या, डी हो गया, इस वर्टेक्स को ई हो गया, और ये वर्टेक्स कहाँ हो गया, एफ हो गया, ठीक। अब समझना बस यही सी का खेल है, कुछ नहीं है, पूरा ट्रायंगल खत्म हो गया, अब कुछ करने नहीं, खाली थ्योरम एलपीजी वाला बता के छोड़ देना। देखो तो वही कहता कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल है ना, वो तो द टू ट्रायंगल अबाउट कंग्रेंट टू ईच अदर बाबू इफ बाबू एंड ओनली ऑफ इफ बाबू है ना बाबू वन ऑफ देम कैन मेड टू सुपर इम्पोज ऑन अदर है ना बाबू। मतलब वो सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे को क्या करना है, ढक लेना। सुपर इम्पोज मतलब क्या, ढक लेना, मतलब ट्रायंगल एक चाहे दो एक दूसरे को अगर अच्छी तरह से ढक ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है ना। तो वही किया गया, वो एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया गया, ट्रायंगल डी ई एफ बनाया गया, क्या बनाया गया, डी एफ बनाया गया, एल के जी का चीज है ना, क्या बनाया गया, डी ई एफ बनाया गया, है ना, डी एफ बनाया, ठीक ना। अब इसको बाबू क्या करो, एगो ट्रायंगल यहाँ रखो, एगो ट्रायंगल यही डी एफ है ना,
इसको उठा के देखो, इसको ट्रायंगल को उठा उठा के इस पे रखो, उठा के रख दिए सर। देखो सुपर इम्पोज किया कि नहीं किया, सुपर इम्पोज किया ना। हाँ सर, एकदम 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 कर लिया सर, एकदम कर लिया सर, कर लिया कर लिया कर। आ सर वाह वाह, देखो तो सुपर। तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, कंग्रेंट हो गया ना। तो जब भी बाबू ट्रायंगल अगर कंग्रेंट होगा बाबू, तो जो उसका क्रोस्पॉन्डिंग जो वर्टिक्स होगा, क्रोस्पॉन्डिंग जो वर्टिक्स होगा है ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिक्स वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा है ना, ओवरलैप करेगा। ऊपर वाला वर्टिक्स ए है, दूसरे ट्रायंगल का ऊपर वाला वर्टिक्स क्या है, डी है। यहाँ बाबू, यहाँ बाबू, यहाँ बाबू है ना, यहाँ बाबू देखो, ये ट्रायंगल का वर्टिक्स क्या, बी है। इधर ट्रायंगल का वर्टिक्स कितना, सी है। इधर सी है ना, दूसरे ट्रायंगल का डी है, ई है, एफ है ना। ठीक, तो समझना, ये ट्रायंगल ए बी सी बाबू एंड डी एफ बाबू, डी एफ बाबू आर कंग्रेंट बाबू, वी गेट इक्वालिटीज ऑफ थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर अब शांति से समझना, अगर दो ट्रायंगल सर कंग्रेंट हो गया, ठीक, तो हमको इससे क्या क्या जानकारी मिलता है, क्या क्या जानकारी मिलता है, क्या क्या मैसेज हमको पता चलता है ना। दो ट्रायंगल ठीक है सर कंग्रेंट हो गया, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रेंट है बाबू, कंग्रेंट है ना, मतलब क्या सर, ये जो ए बी लेंथ है, पहले ट्रायंगल का ए बी लेंथ, दूसरे ट्रायंगल का डी लेंथ, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट है बाबू, तो ई वाला लेंथ पहला ट्रायंगल का, दूसरा ट्रायंगल का डी लेंथ, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, पहले ट्रायंगल का बाबू कौन सा लेंथ सर, पहले ट्रायंगल का कौन सा लेंथ बाबू, पहले ट्रायंगल का कौन सा लेंथ, बी सी लेंथ, पहले ट्रायंगल का बी सी लेंथ और दूसरे ट्रायंगल का ई एफ लेंथ, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ए सी लेंथ और इसका डी लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट और क्या क्या मैसेज मिलेगा सर। ठीक है, दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया सर, तो और हमको क्या क्या पता चलेगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ए पहले ट्रायंगल का एंगल ए, दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी, ये पहले ट्रायंगल का एंगल ए वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, पहले ट्रायंगल का बाबू कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। इसका बी वाला एंगल, इसका क्या करो, बी वाला एंगल, ये बी का एंगल, बी का एंगल, दूसरे का ट्रायंगल का कितना, ई एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। फिर बाबू यही पहले ट्रायंगल का सी वाला एंगल और इसका एफ वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना। तो एक कंग्रेंट ट्रायंगल से बाबू हमको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। क्रॉस्पॉन्डिंग साइड ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी सी का, इसका, इसके क्रॉस्पॉन्डिंग कौन, ये वाला, इसके साथ साथ इसका, मैंने ए बी का डी सी से मत कर देना, ए बी का डी सी से मत कर, इसका ए बी लेना, तो इसका क्या होगा, डी होगा, डी होगा, है ना, डी। इसका छोड़ अंदर पहले वाला ट्रायंगल का क्या लोगे, बी सी लोगे, बी सी लोगे, तो दूसरे ट्रायंगल का क्या लेना, ई एफ लेना, दूसरे ट्रायंगल का क्या लेना, ई एफ लेना, ई एफ लेना। क्रॉस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्रॉस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसी को कहेंगे दोनों ट्रायंगल का कंग्रेंट। तो वही इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा दिया गया, वो लिखा दिया गया है ना, डराने का काम किया गया, क्या किया गया, क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा ठीक, ये बाबू क्या है, ये कंग्रेंसी को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, कंग्रेंसी को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ध्यान देना, दोगो इक्वल टू सिंबल देना, बराबर लिखना, ये बराबर हो गया, ठीक है, कंग्रेंट का, और इस पे ऐसे एगो एस दे देना, उल्टा एस लेटर दे देना है ना, उलट देना है ना। तो ये सिंबल होता है कंग्रेंट का, ये सिंबल क्या है वो कंग्रेंट का है ना, कंग्रेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू साइन देना, उस पे क्या देना है ना, उस पे क्या दे देना बाबू, एक एस, एस लेटर दे देना, ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ कंग्रेंट हो गया है ना, क्या हो गया, कंग्रेंट का सिंबल हो गया, कंग्रेंट का सिंबल हो गया है ना, सिंबल कंग्रेंट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना बाबू, सौम्या, सौम्या लैपटॉप में नहीं आता है मुझे, नहीं आता, प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट होगा, अरे शैतान इसको फिर से हमको, चलो अच्छा ठीक है बाबू, इसी में ले लेते हैं शैतान। ठीक, तो इतना समझ गया बाबू, इतना समझ गया है ना, इतना समझ गया। ठीक, देखो तो वही क्या गया, ट्रायंगल ए बी सी डी एफ क्या है, कंग्रेंट है, कंग्रेंट है। इसका कहने का मतलब क्या बाबू, जो वर्टिक्स ए है ट्रायंगल ए बी सी में, जैसे सीक्वेंस ऑर्डर है, देखो जब भी कंग्रेंट लिखा बाबू तो सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे तैसे लिख दोगे ना तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। मान लो बाबू ट्रायंगल ऐसे है, ऐसो घुमा के ऐसे कर दो, कभी कंग्रेंस होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी या दूसरा ट्रायंगल ऐसे ले लो, मतलब इसका ए बी सी या दूसरा ट्रायंगल को उलट दो, ये कभी कंग्रेंस होगा, नहीं होगा। तो सीक्वेंस ऑर्डर हमेशा क्या करना, मेंटेन करना, मेंटेन करना है ना, मेंटेन करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा है ना, नहीं हो पाएगा। मतलब क्या सर, अगर कहीं भी लिखा होगा ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट डी एफ है, मतलब वर्टिक्स ए डी को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, वर्टिक्स बी ई को ओवरलैप करेगा, वर्टिक्स सी एफ को ओवरलैप करेगा,
और ऐसे कहीं लिखा हुआ है कंग्रेंसी का, तो यहाँ से बहुत सारे मैसेज निकाल सकते हो तो बिना फिगर के। यहाँ से देखो एबीसी या डीएफ कंग्रेंस है ना, तो जो ई ए बी साइड होगा और यहाँ से डी ई साइड होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करके लिखना, ऐसे मत लिख देना कैसे सर ट्राइंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्राइंगल, कैसे कर देना डी एफ ई, इधर से ले रहा हूँ ए बी सी, इधर से ले रहा हूँ डी एफ ई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से वर्टिक्स से ऊपर वाला है तो इसमें भी वर्टिक्स ऊपर वाला लेना, इधर से लेफ्ट वाला वर्टिक्स लिया तो इसमें भी लेफ्ट वाला वर्टिक्स लेना, इसमें राइट वाला वर्टिक्स लिया तो इसमें भी राइट वाला वर्टिक्स लेना। वर्टिक्स का सीक्वेंस ऑर्डर चेंज करोगे तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, बात समझो, ठीक है ना, बात समझो। तो यहाँ से अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ तो इस खाली स्टेटमेंट से बिना फोटो के इतना ही कहीं लिखा हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो ए बी है, जो साइड लेंथ ए बी है वो डी ई के बराबर होगा, जो साइड लेंथ बी सी है, जो साइड लेंथ बी सी है वो क्या होगा, ई एफ के बराबर होगा, जो साइड लेंथ ए सी है, जो साइड लेंथ ए सी है वो क्या होगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। खाली इतना फोटो नहीं दे, यही दो लाइन दे दे तो यहाँ से क्या कह सकते हो, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर डी ई होगा, ई बी सी बराबर क्या होगा, ई एफ होगा, ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ होगा, डी एफ होगा, और क्या होगा। ट्रायंगल में क्या होता है, दो चीज होता है ना, एगो साइड होता है, एगो एंगल होता है, एक और वर्टिक्स होता है। तो हमको किससे कम है, साइड और एंगल से कम है, साइड और एंगल से कम है। तो ट्रायंगल में छह कंपोनेंट होते हैं, तीन गो साइड होगा, तीन गो एंगल होगा, है ना। तो यहाँ से बाबू आप साइड और एंगल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट ए बस क्या बताएगा, एंगल, तो एंगल ए इसका क्या पहला लेटर एंगल डी, एंगल ए डी बराबर होगा, इसका दूसरा लेटर एंगल बी, इसका दूसरा लेटर एंगल ई बराबर होगा, इसका तीसरा लेटर एंगल सी, इसका एंगल एफ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सिर्फ इतना से, इतना से, सिर्फ इतना से, इतना से बाबू आप कहीं लिखा हुआ है तो उसके बाबू मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ को बराबर कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, है ना, बराबर कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या था, बेसिक है किसका, कंग्रेंस ऑफ ट्राइंगल का, कंग्रेंस ऑफ ट्राइंगल का, है ना। अब कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है, कंग्रेंसी का थ्योरम पढ़ना है ना, थ्योरम पढ़ना, ठीक ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बाबू, अगर कोई सिंगल ट्राइंगल है ना, कोई एबीसी ट्राइंगल है, तो सिंगल ट्राइंगल क्या होता है, हमेशा कंग्रेंट होता है, ध्यान देना। सिंगल कोई एक ट्राइंगल है बाबू, है ना बाबू, तो हमेशा क्या होगा, कंग्रेंट होगा। इतना समझिए अनुष्का कि ना समझे बाबू, अब भले कौन कौन ने समझा, ना समझे श्रुति, ना समझ में आता है ना बाबू, तो बगुला की तरह बाबू बैठे मत रहो, पूछो, ठीक है ना, नहीं तो ऊपर ऊपर पार होगा। फिर मेरे यहाँ बाबू स्कूल में अंतर क्या होगा, या अदर कोचिंग में अंतर क्या होगा, नहीं समझ में आता है तो पूछो। ऐसे तो हम कोशिश करते बाबू आपको डाउट रहने नहीं देने की कोशिश करते, इस तरह से पढ़ाया जाता है बाबू कि आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। मान लो वो पढ़ा ले, है ना, आपको 10 को डाउट क्रिएट हो गया, तो ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा बाबू, टीचर कोई पढ़ा रहा बाबा, बच्चे को डाउट हो रहा बाबू, तो ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा, है ना। बाद मान लो बाद में हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो मेरा तो क्लास ऐसे बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते बाबू इस तरह से समझाने का कि आपको डाउट रहबे नहीं करे, है ना, डाउट रहबे नहीं करे, कहीं कोई एंगल से डाउट बचबे नहीं करे, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कंग्रेंसी रिलेशन, कुछ नहीं खाली डराने वाला काम किया गया, क्या बाबू कंग्रेंसी रिलेशन है, कंग्रेंसी रिलेशन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखो क्या है बाबू, कोई भी ट्राइंगल बाबू, शांति से समझना, मान लो ट्राइंगल क्या है, एबीसी है, एबीसी है, तो कोई भी सिंगल ट्राइंगल बाबू, एबीसी ट्राइंगल बाबू, है ना, कोई भी एक सिंगल ट्राइंगल आपस में क्या है, कंग्रेंट है। मतलब यह ट्राइंगल बाबू खुद का क्या है, कंग्रेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हो, ट्राइंगल एबीसी क्या है बाबू, ट्राइंगल एबीसी कंग्रेंट है, किसका सर, ट्राइंगल खुद खुद का एबीसी, मतलब ये ट्राइंगल अपने अपने आप का क्या है, कंग्रेंट है, अपने आप का क्या है, कंग्रेंट है, अपने आप में क्या है, कंग्रेंट है, ठीक। ट्राइंगल एबीसी क्या बाबू, अपने आप में क्या है, कंग्रेंट है, ठीक। सौम्या आप का झपक रहे बाबू, नींद आ रहा सौम्या, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू कहीं भी बाबू, ये पहला हो गया, पहला हो गया, लिखाएंगे 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 लिखाएंगे, है ना। कोई भी ट्राइंगल बाबू एबीसी अपने आप में क्या होता है, कंग्रेंट होता है, ट्राइंगल एबीसी कंग्रेंट है खुद का, खुद का। सेकेंड बाबू रिलेशन क्या, बाबू सेकेंड रिलेशन क्या, यदि बाबू आपको कहीं बाबू
दे दिया बाबू, दे दिया जैसा कि दो गो ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, दो गो ट्रायंगल क्या बाबू, कंग्रेंट है ना बाबू, ठीक। या ऐसे बाबू यदि आपको कह दे बाबू कि दो गो ट्रायंगल क्या इक्वल है, शांति सुनना, मान लो बाबू ट्रायंगल एबीसी, एबीसी और ट्रायंगल क्या बाबू डीईएफ, 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 डीईएफ बाबू, डीईएफ, डीईएफ बाबू, डीईएफ बाबू, है ना, डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी और डीएफ कह रहा बाबू क्या है, कंग्रेंट है। ट्रायंगल एबीसी और डीएफ कह रहा है कंग्रेंट, तो डेफिनेटली बाबू एबीसी और डीएफ आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर। यदि बाबू आपको कह रहा बाबू कि इफ बाबू ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या है बाबू, कंग्रेंट है, क्या कंग्रेंट है, ट्रायंगल किसका बाबू, ट्रायंगल किसका बाबू, डीईएफ का। अगर एबीसी बाबू ट्रायंगल कंग्रेंट है बाबू डीईएफ का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन बाबू ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देन बाबू ट्रायंगल बाबू, देन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ होगा, डी ई एफ होगा, डी एफ, है ना। मतलब क्या सर, कोई भी ट्रायंगल बाबू अपने आप में क्या होता, कंग्रेंट होता। यदि दो ट्रायंगल कंग्रेंट है, मतलब एक दूसरे को कंग्रेंट मतलब क्या, सुपर इम्पोज करना, सुपर इम्पोज करना मतलब क्या, एक दूसरे पर ढक लेना, ढक लेना मतलब बाबू क्या, सामने से देखो तो आपको सिंगल दिखाई देना चाहिए, एक ही दिखाई देना चाहिए ना। तो यदि बाबू ऐसा हो रहा है, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे कि वह ट्रायंगल आपस में क्या इक्वल है, वैसा मोबाइल से हम लोग क्या कहेंगे वो आपस में वह ट्रायंगल का इक्वल है। किस क्लास का, ये सब एल के जी यू के जी का बाबू, है ना, नाइन में दिया था, है ना। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते बाबू डराने के लिए, बाबू ऐसो वीडियो ऑन कर शैतान, ये तो और शैतान हो गया बड़ा हो। नेक्स्ट बाबू लिखो, लिखे लिखे एवरी ट्रायंगल बाबू, इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं, एवरी ट्रायंगल बाबू, एवरी ट्रायंगल बाबू इज कंग्रेंट, कंग्रेंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल बाबू अपने आप में क्या होगा, कंग्रेंट होगा, कंग्रेंट होगा, है ना। एवरी ट्रायंगल बाबू इज कंग्रेंट टू इटसेल्फ, अपने आप में क्या होगा, कंग्रेंट होगा। दो नंबर पॉइंट लिख लो, लिखे बाबू, इफ टू ट्रायंगल, ये शिवानी कहे नहीं समझ में आ रहा बाबू, शिवानी ये बोले सो गए बाबू, नहीं समझ में का नहीं आ रहा बाबू, जब से बाबू भोली भोला जी का दर्शन करके आए हो, जब से बाबू आप मन से पढ़ नहीं रहे हो। ए शिवम कैमरा डाउन करो बाबू, शैतान सो गया पंखा चला के। शिवम थोड़ा डाउन कीजिए बाबू भोले, यस सर कर रहे, हाँ थोड़ा डाउन करो, थोड़ा डाउन करो, भोले जी का दर्शन करके आए बाबू, अब भोले जी लगता खुद बन गए। टू ट्रायंगल है बाबू, कंग्रेंट बाबू, देन बाबू, देन दे आर इक्वल, भगवान में सबसे पागल भगवान कौन है बाबू, भोले शंकर, है ना, जिसको मन तिसको आशीर्वाद दे देते हैं जाओ, अब फिर बाद में अपने खुद फंस जाते हैं। चलिए बाबू, बहुत बार ऐसा हम लोग का कहावत है ना, बहुत सारे को आशीर्वाद दिए फिर खुद मुसीबत में फंस गए, तो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, है प्रभु हमारे बचाइए। एक बार आशीर्वाद नहीं दिए थे भोले बाबा कि जिसको छुओगे भस्म हो जाओगे जी, सुने कि नहीं सुने बाबू, एक बार कोई किसी को आशीर्वाद दिया था कि जिसको आप छुओ है ना वो भस्म हो जाएगा, तो पहले तो टेस्ट करने चला है भोले बाबा पे ही। लिखे लिखे नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, आपको भी कुछ ऐसा ही आशीर्वाद मिल जाए बाबू, भोला भोली कि नहीं शिवानी, जिसको छुआ भस्म हो जाता। सबसे पहले किसको छुआ बाबू, शिवानी सर आप ही को तो छुएंगे सर, सुबह सुबह उठाते हैं कि नहीं शिवानी। चलिए अच्छी बात है बाबू, कितना अच्छा आशीर्वाद है बाबू, जिसको टच कीजिए भस्म हो जाए। नेक्स्ट बाबू, मान लो तीन गो ट्रायंगल है, ए बी सी है, कौन है डी ई एफ है, डी ई एफ है और पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक। तो क्या कह रहा, अगर ए बी सी कंग्रेंट डी ई एफ है,
क्या कर रहा हो इफ बाबू ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ ए बी सी क्या डी एफ क्या कांग्रेंट है और बाबू ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेंट है किसका बाबू ट्राइंगल पी क्यू आर का ये इसका कांग्रेंट है ये इसका कांग्रेंट है देन तब मेरा क्या होगा भोली ये श्रुति कहानी समझ में आ रहा जी श्रुति अरे एल के जी का तो चीज है श्रुति ये श्रुति कहानी समझ में आ रहा बाबू ऐसो वीडियो ऑन करो धर्मवीर सो गया बाबू खाली रूम में बल्ब जला के छोड़ देता है सब धर्मवीर देखो ना सूत गया इसके पापा ही फोन करना जरूरी हो गया ए धर्मवीर असु बाबू देन बाबू समझना समझना इसको तब क्या होगा सर ट्राइंगल डी ई एफ कांग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर का तो इतना क्या है बेसिक है ट्राइंगल से रिलेटेड क्या है बेसिक है बेसिक है बेसिक है लिखो समझाते ही बोला शिवांगी नहीं आई है कहाँ चली बाबू अच्छा सौम्या चलो लिखे लिखे सौम्या बाबू ए धर्मवीर बाबू धर्मवीर कहाँ गया था शुभ सो गया धर्मवीर एकदम शैतान सो तो जाता है एक नींद मार लिया ना धर्मवीर देखो तो मेरी अनुष्का बाबू बगुला की तरह टक टक होकर देख रही है ये सब शैतान बड़का नहीं बचवा शैतान होता बाबू छोटकन तो बात मानवे करता जितना बड़ा उतना मन बढ़ू लिखे 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 बाबू कितना बजे सोते शिवानी बाबू जल्दी एक पता उठने में 9 बजे बाबू भोले बाबा इसको आशीर्वाद दे दिए जब से गई है शैतान आशीर्वाद दे जाओ बस मन से सोइए पढ़ाई लिखाई मत कीजिए यही गई इसीलिए गई थी बाबू बाबा के पास इसीलिए गई थी कि हमको सर सोने का आशीर्वाद दीजिए देखो क्या कह रहा बाबू क्या कह रहा देखो क्या करा बाबू तीन गो ट्राइंगल है क्या है शैतान तीन गो ट्राइंगल है मान लो ट्राइंगल नंबर एक है दो है और तीन है तो कह रहा ए बी सी कांग्रेंट डी एफ ए बी सी अगर कह रहा यदि यदि ये दोनों आपस में क्या है कांग्रेंट है ये दोनों आपस में कांग्रेंट है और पहला तीसरा के साथ कांग्रेंट है तो डेफिनेटली बाबू पहला दूसरा के साथ कांग्रेंट है पहला तीसरा के साथ कांग्रेंट है तो डेफिनेटली बाबू ये दोनों आपस में क्या होगा दूसरा तीसरा आपस में क्या होगा कांग्रेंट होगा है ना कांग्रेंट होगा और कुछ हो नहीं है डराने वाला खाली काम किया इसे बाबू एल के जी का कुछ स्टेटमेंट है पहला दूसरा को कांग्रेंट कह रहा है और दूसरा तीसरा को पहला दूसरा के साथ कह रहा और पहला तीसरा के साथ कांग्रेंट कह रहा है ना बाबू अरे शैतान एक्स बराबर बाई अब बाई बराबर जेड तो एक्स बराबर बाई अब बाई बराबर जेड तो एक्स बराबर जेड ना होगा यही तो है बाबू कान को घुमाया गया ए बी सी कांग्रेंट डी एफ ए बी सी कांग्रेंट पी क्यू आर तो मेरा क्या हो जाएगा डी एफ और पी क्यू आर आपस में कांग्रेंट ना हो जाएगा कांग्रेंट नहीं हो जाएगा सीधा सी बात है तो वही कहा गया डी एफ आपस पी क्यू आर क्या कांग्रेंट है बस और कुछ नहीं कहा गया अब हमको क्या पढ़ना बाबू अब हमको क्या पढ़ना है थ्योरम पढ़ना हमको क्या पढ़ना है थ्योरम पढ़ना अब शांति से समझना हमारे पास ट्रायंगल में है क्या चीज कुछ हो नहीं है तीन वो साइड है और तीन वो क्या है एंगल है यही है ना तो हमको इसमें बाबू थ्योरम पढ़ना रहता ऐसे एस थ्योरम है ना बाबू है ना अब इसको समझा शांति से नेक्स्ट बाबू अब हमको क्या पढ़ना है थ्योरम पढ़ना है तो पहला है बाबू पहला क्रिटेरिया जो है बाबू ऐसे एस क्रिटेरिया है इसको समझना है ना ऐसे एस क्रिटेरिया है ना बाबू ऐसे एस क्रिटेरिया है ना
इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, पहले पूरा नाम ही लिख देते बाबू, उसके बाद आधा लिखेंगे। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड क्रिटेरिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, एस से एस हो गया, क्या हो गया, एस से एस हो गया। मतलब दो गो ट्राइंगल आपको लेना, ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है सर, तीन गो साइड होता है सर, और तीन गो एंगल होता है, इसके सिवा कुछ ना होता। तो उसी में आपको बाबू हमको प्रूफ करना रहता है ना कि दो, ये क्या बाबू कि दो गो ट्राइंगल कंग्रेंट है कि नहीं, प्रूफ करने का तरीका होता है, तरीका होता है ना। तो यदि दो ट्राइंगल का बाबू क्या ये साइड एस पर क्या हो गया, साइड हो गया, एंगल और साइड, समझना शांति से समझना, कल ही लिखा देंगे इसको। यदि दो गो ट्राइंगल मान लो इस तरह से, एक ट्राइंगल ए हो गया, एक ये ट्राइंगल बी पॉइंट सी और एक ट्राइंगल डी ई एफ हो गया, ठीक ठीक सर, ये क्या हो गया डी ई एफ हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, है ना, अच्छी बात। तो देखो हमेशा बाबू यहाँ पे जैसे ले रहे हो सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए से एस कर रहे हैं, तो पहला ट्राइंगल का साइड, पहले ट्राइंगल का साइड, दूसरा ट्राइंगल का साइड, फिर एंगल आया तो एंगल लेना, तो दूसरे ट्राइंगल का सेम एंगल, फिर तीसरा एंगल साइड, फिर दूसरे ट्राइंगल का साइड, और तीसरे ट्राइंगल का क्या लेना, साइड लेना। ऐसे मत ले लेना, ये क्रिटेरिया करा ऐसे कह रहा, मतलब साइड लेना, दोनों साइड के बीच में एक एंगल लेना, एंगल जहां मन तहां ले लोगे गलत हो जाएगा। मान लो ये दोनों साइड ले रहे हो, एंगल ये वाला ले रहे हो, ये दोनों साइड ले रहे हो, ये वाला एंगल ले रहे हो, तो ये नहीं करना, सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब क्या हो, ये दोनों ट्राइंगल का क्या हो, पहले साइड है तो दो साइड और दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड क्रिटेरिया कहते हैं, क्रिटेरिया कहते हैं ना, क्रिटेरिया कहते हैं ना। तो इसी को आपको बाबू थ्योरम प्रूफ करना था ना, वो टू ट्राइंगल बाबू है ना, टू ट्राइंगल बाबू है ना बाबू, अगर यदि बाबू किसी ट्राइंगल का आप यही प्रूफ करना रहता क्या सर, किसी ट्राइंगल का साइड, एगो साइड, एगो साइड, एगो एंगल, एगो एंगल और दूसरा साइड, दूसरा साइड यदि बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि दिया गया ट्राइंगल क्या है, कंग्रेंट है, यही प्रूफ करना रहता। क्या प्रूफ करना, कुछ नहीं, खाली इसमें क्या क्या है ना, बहस किया जाए, बहस किया जाए। आपको ये कह रहा बाबू ऐसे ऐसे क्रिटेरिया में, ऐसे ऐसे थ्योरम में क्या कहता है बाबू कि कोई ट्राइंगल बाबू जिसका दो साइड आपस में बराबर है और उसके बीच का एंगल भी आपस में क्या बराबर है, तो आपको प्रूफ करना बाबू ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, बस और कुछ नहीं है, डराने वाला काम है, बस। क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे क्रिटेरिया में कुछ नहीं कहता, ऐसे ऐसे क्रिटेरिया में यही कहता है बाबू कि किसी दो वो ट्राइंगल है जिसका बाबू करस्पॉन्डिंग, ध्यान देना करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब बाबू अगर ई ए बी साइड ले रहे हो, इस ट्राइंगल का ए साइड ले रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल का इधर वाला साइड लो, ऐसे जैसे वही इधर लो, तो ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी ई है, और उसके दोनों साइड उसके बीच का एंगल अगर एंगल ए और इसका कौन सा एंगल लेना, डी लेना, और ई साइड ए सी है तो इसमें ई साइड क्या लेना, डी एफ लेना, ई ए सी है इधर क्या लेना, डी एफ लेना। अगर ये बराबर हो रहा है, यदि ये बराबर हो रहा है तो दिया गया ट्राइंगल क्या है, प्रूफ करो कि दिया गया ट्राइंगल क्या है, कंग्रेंट है, बस यही होता है ना। तो इसमें दो गो साइड ले लो, एक एंगल ले लो, इसमें बाबू तीनों साइड आएगा है ना बाबू, इसमें फिर क्या आ जाएगा, डबल एट क्रिटेरिया आएगा, किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर बराबर होगा तो तीसरा एंगल आप में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सब बाबू कुछ कुछ क्रिटेरिया हमको पढ़ना, थ्योरम पढ़ना है ना, यही सब हमको करना है। शिवम बाबू, ए भोले बाबा सो गए बाबू, तो पहला थ्योरम क्या कहता है, वो पहला थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा देते हैं, कल हम लोग इसको आपको प्रूफ कर देंगे है ना, ठीक। थ्योरम क्या कहता है बाबू, थ्योरम वन है बाबू क्या, एस एस क्रिटेरिया में क्या बाबू, साइड एंगल साइड क्रिटेरिया में क्या है ना, ठीक, ये क्या हो गया, एस एस हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। देखो क्या कहता है बाबू, इसको लिखो, स्टेटमेंट लिखे टू ट्राइंगल्स बाबू, थ्योरम नंबर एक इसको प्रूफ करना, टू ट्राइंगल्स बाबू आर कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट इफ बाबू टू साइड्स बाबू एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन
टू ट्राइंगल्स आर बाबू कंग्रेंट इफ बाबू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल बाबू इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल. Of one are equal to the corresponding side and the incongruent angle and the included question दिए थे कौन कौन बना के नहीं दिया बाबू included angle of the other triangle. ठीक मतलब क्या दिया हुआ क्या है बाबू इसको प्रूफ करना आपको क्या कह रहा है दो को ट्राइंगल है बाबू नहीं ना बना के लाया शिवम बाबू शिवम शिवम शैतान सो गया इसको भोले शंकर आशीर्वाद दे दिए शिव एगो भागा कौन जी श्रुति है सौम्या सौम्या गई बाबू चलिए बाबू बिना पूछे हुए चल गई क्या कर रहा बाबू दूगो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये साइड आपस में क्या है इक्वल है ये वाला साइड और ये एंगल आपस में इक्वल है मतलब क्या बाबू ए बी बराबर बाबू ए बी बराबर बाबू क्या है डी है ठीक एंगल ए बराबर क्या है सर एंगल डी है और एंगल बाबू क्या है ए सी बराबर क्या बाबू डी एफ है ठीक तो हमको क्या प्रूफ करना वी हैव टू प्रूफ अबाउट ट्रायंगल एबीसीडीएफ क्या है कॉन्ग्रेंट हुआ ये आपको इतना दिया हुआ इतना क्या है दिया हुआ तो वी हैव टू प्रूफ बाबू वी हैव टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना बाबू वी हैव टू प्रूफ बाबू ट्रायंगल एबीसी क्या होगा कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डीईएफ का सीक्वेंस ऑर्डर हमेशा सेम लेना नहीं तो गलती हो जाएगा ऐसे जैसे तैसे सुर में सुर मत ले ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग वर्टिक्स बी है बी के करस्पॉन्डिंग वर्टिक्स ई है और सी है तो सी के करस्पॉन्डिंग वर्टिक्स एफ है उल्टा सुल्टा लोगे गलत हो जाएगा तो हमको इतना प्रूफ करना कुछ नहीं है इसमें खाली बात बनाना है बस इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है खाली बात बनाना है ना लिखिए बाबू सर वहाँ पे आर आर दो बार लिखती है सर इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन अच्छा ठीक है लिखिए भले लिखिए यही चीज टेंथ में है बाबू ठीक है ना यही चीज सेवन में है एट में तीन चार साल बर्बाद इतना किया गया ना एजुकेशन को बाबू एक चीज आपको बार बार पढ़ाता है एक बार पढ़ा दीजिए मंथन से खाली फीस पैसा टेन में कांग्रेंट थोड़े है टेन में नहीं है खाली पैसा लेने का बाबू सिलेबस को लंबा चौड़ा दिया एक बार पढ़ा दीजिए हम तो शाम को शुरू किया सामने वाला बच्चे को पढ़ा भी देंगे समझ ही आ जाएगा बाबू सत्रह को एंगल आप लोग का पढ़ाए सत्रह को एंगल वह सबको पढ़ा रहे हैं उसमें जो टू का भी बच्चा संकल्प वगैरह जो टू ये कहा पढ़ाइए रहे जिंदगी में जब भी एंगल पढ़ेगा तो काफी देखेगा बस उससे ज्यादा एंगल है ही नहीं वो पढ़ना चलिए बाबू ठीक है बाबू आप लोग अब जाइए आप लोग का भी टाइम हो गया बाबू अगले बैच का भी टाइम हो गया शैतान तब अनुष्का समझ में नहीं आता बाबू आता